News 18, India. और एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बंगाल की सिलीगुड़ी में एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया है। ममता सरकार ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत नहीं दी है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका देते हुए ये ऐलान कर दिया था कि टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। प्रशासन की ओर से इसके पीछे इसी तारीख को होने वाली परीक्षा को कारण बताया गया है, लेकिन बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन के बीच असहमति बनती हुई अब दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बैठक बुलाई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। करीब 7.5 घंटे तक चली ये बैठक। बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति ही नहीं बन पाई है। आपको ये भी बता दें कि इस सूरत में फिर से चर्चा के लिए 30 जनवरी को अब बैठक की तारीख तय की गई है। और इस बीच आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के लिए बने एनडीए गठबंधन में एक के बाद एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कोई अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुका है, तो किसी के गठबंधन से अलग होने की अटकलें लगातार सामने आ रही हैं। अब ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अभी तक चल रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। पहली दरार ममता बनर्जी के बयान से सामने आई है, जिसमें उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो सिलीगुड़ी में आने की इजाजत उनकी तरफ से नहीं दी गई है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उस दिन परीक्षा है और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा यहां पर नहीं आ सकती। इसके अलावा देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से, भगवंत मान ये कह चुके हैं पंजाब में उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए महाविकास अघाड़ी की बैठक में फैसला नहीं हो पाया, जबकि बैठक करीब 7.5 घंटे चली है, लेकिन बेनतीजा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन बदलने की अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। आपने देखा भी कि किस तरीके से बिहार की सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बिहार के बीजेपी नेताओं की बैठक में नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने की अटकलें और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। वहीं ममता बनर्जी, भगवंत मान के बाद प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने भी कांग्रेस को तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को फटकार लगा दी है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को खत लिखा और उन पर माइंड गेम खेलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने नाना पटोले को चेतावनी तक दे डाली है कि अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या रमेश चैनीथला के हस्ताक्षर वाला पत्र मिलेगा, तभी वो महाविकास अघाड़ी की बैठक में आने वाले हैं।